branded clothes. Special offers. 99 में t-shirt, 300 में shirt और 500 में jeans. Wholesale and manufacturing एक साथ. Reasonable price. LCC यानी last choice and company. एक बार जरूर विजिट करें. बीएमसी ने भातसा डैम में न्यूमेटिक गेट सिस्टम के एयर ब्लैडर को चेंज करने का काम शुरू किया है. इस वजह से थाने और भिवंडी में पानी के सप्लाई में 10% कटौती की जा रही है. रिपेयरिंग का काम 10 नवंबर तक जारी रहेगा, जिस वजह से पानी का प्रेशर भी 10 नवंबर तक कम रहेगा. भिवंडी से ताल्लुक रखने वाले दो पहलवानों का बड़ा कारनामा. यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में होने वाले ग्रेको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप में सरावली गांव के प्रणय चौधरी ने 57 kg कैटेगरी में और कोन गांव के ओमकार संतोष कराले ने 37 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीत कर भिवंडी का नाम रोशन कर दिया है. साथ ही साथ हर्ष दीपक ठाकरे ने 85 kg कैटेगरी में 4th पोजीशन हासिल की है. ये पहलवान पहले भी डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर कई मेडल्स जीत चुके हैं. इन पहलवानों को नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के हाथों फेलिसिटेट किया गया है. गुजरात असेंबली की डेट हुई डिक्लेयर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 और 5 दिसंबर को होंगी वोटिंग्स और 8 दिसंबर को आ जाएंगे रिजल्ट्स. चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात में 182 सीट्स के लिए होने वाले असेंबली इलेक्शंस 2 फेज में होंगे और रिजल्ट्स 8 दिसंबर को डिक्लेयर किया जाएगा. भिवंडी कॉरपोरेशन ने कुछ महीनों पहले शहर की सड़कों पर उड़ने वाली धूल मिट्टी को साफ करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन लाई थी, लेकिन अब लाखों रुपए खर्च कर लाई गई ये मशीन कॉरपोरेशन के गोडाउन में खराब होने के लिए छोड़ दी गई है. ना ही इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही शहरवासियों की परेशानियों का कोई हल ढूंढा जा रहा है, जिस वजह से भिवंडीकर्स कॉरपोरेशन वर्कर्स की गैर जिम्मेदारी से नाराज है. कल्याण रोड अप्सरा टॉकीज के सामने सड़क पर लगातार बहते पानी ने स्थानिकों की टेंशन बढ़ा दी है. शिकायत के बावजूद इस मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसी तरह यहां पानी जाये हो रहा है. भिवंडी में लोग एक तरफ पानी की किल्लत से परेशान हैं और दूसरी तरफ सड़क पर पानी जाये होने से परेशान है, और इस तरह पानी जाये होने से रोकने के लिए कॉरपोरेशन से अपील की जा रही है. भिवंडी के फोर्ट निजामपुर से ये वीडियो एक स्थानिक द्वारा शेयर किया गया है, जिन्होंने हमें बताया कि पिछले 6 महीने से यहाँ स्थानिक गटर की साफ सफाई ना होने से परेशान हैं और यहाँ गटर पूरी तरह जाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में लोगों के बाथरूम के जरिए गटर का पानी उनके घर में जमा हो रहा है और स्थानिक इस तरह गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए हैं और 6 महीने से कोई भी इनकी शिकायतें सुनकर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा. सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर होती है और बाइक पर बैठी महिला बच्चे के साथ फोर्सफुली हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से महिला और बच्चा हादसे में घायल हो गए हैं. ये वीडियो पुणे शहर का बताया जा रहा है. भिवंडी के कटई गांव में पानी को लेकर होने वाले विवाद में एक शख्स की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक एक ही बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहने वाले दो लोगों में पानी को लेकर विवाद हो गया और हाथापाई के दरमियान दोनों बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से गिर पड़े, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है. मृतक के भाई की शिकायत पर निजामपुरा पुलिस ने घायल शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. भिवंडी तालुका से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक रिवॉल्वर के साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी रिवॉल्वर दिखाकर लोगों को लूट रहे थे. इसी के साथ इन पर ये भी इल्जाम है कि आने वाले इलेक्शन के लिए इन दोनों ने स्थानीय पॉलिटिशियन को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था. भिवंडी महानगर पालिका द्वारा पिछले 22 महीनों से हॉकर्स का बायोमेट्रिक सर्वे किया जा रहा था, जिसके बाद मनपा द्वारा हॉकर जोन को लेकर कुछ फैसला किया जाता, लेकिन अब ये सर्वे रुक गया है क्योंकि बायोमेट्रिक करने की मशीन खराब हो गई है, जिसे रिपेयर करने के लिए पुणे भेज दिया गया है और पिछले 22 महीनों में सिर्फ 2,500 फेरी वालों का ही बायोमेट्रिक हो सका है. इसलिए भिवंडी महानगर पालिका से अपील की जा रही है कि जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हॉकर्स पर किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इस अधूरे काम की वजह खुद महानगर पालिका है और इनकी गलती की सजा हॉकर्स को नहीं मिलनी चाहिए.
आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।